नमस्कार मित्रों, साइंस एवरीथिंग सेजू सर चैनल के ऊपर आपका स्वागत और अभिनंदन। लैब असिस्टेंट वैकेंसी 2022 की लगातार मैं क्लासें अपडेट कर रहा हूं और क्लासों के अंदर शुरू से अंत तक बहुत अच्छे से तन्मयता के साथ में आप एंजॉय कर पा रहे हो। आपके स्थान से क्लासों को देखकर एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे जरूर आप शेयर करें और चलते हैं विदाउट एनी डिले। और क्लासों के अंदर आप लोग थोड़ी हेल्प भी करें कि इनको जरूर शेयर करें। जो बच्चे अभी लैब असिस्टेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल क्लासेस साबित होने वाली है। इसके अंदर केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी अकॉर्डिंग टू इट एंड एवरी पोर्शन। ओके, मैं इसको अपडेट करता रहूंगा। तो चलते हैं विदाउट एनी डिले। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चनों के रेस्पेक्ट में भी देखोगे तो बहुत ही शानदार मटेरियल मिल रहा है आपको। क्वेश्चन दे रखा है कि परिपक्व मादा का युग्मक बनने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। मादा युग्मक या फिर इस प्रक्रिया को कहा जाता है अंडाणु, और अंडाणु या इसको अपन ओवम के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि इस ओवम के फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या कहलाता है। ओवम अंडाणु किस प्रक्रिया से बनता है। फर्स्ट दे रखा है स्पर्मेटोजेनेसिस, सेकेंड दे रखा है एक्रोसोम, थर्ड दे रखा है वीर्य और फोर्थ दे रखा है अंडजनन या इसको कहते हैं ओजेनेसिस। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। सीमेन या फिर वीर्य के माध्यम से कभी मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण नहीं होता है। सीमेन या फिर वीर्य जिसको अपन बोलते हैं, तो इस सीमेन का जो पीएच वैल्यू होता है वो भी ध्यान रखना। ये पीएच वैल्यू अकॉर्डिंग टू सिंपलेस्ट अपन बॉडी के अंदर जो ब्लड है रक्त उसके अकॉर्डिंग मतलब बिल्कुल सही होता है। एक्रोसोम अगर देखा जाए तो ये शुक्राणु का जो टॉप पोर्शन होता है ये शुक्राणु, और इस शुक्राणु का जो अग्रभाग होता है ये शुक्राणु का अग्रभाग, इसको नाम देते हैं एक्रोसोम। और ये एक्रोसोम जब मादा का अंडाणु और नर का शुक्राणु यानी कि जब फर्टिलाइजेशन होता है शुक्राणु अंडाणु दोनों आपस में मिलते हैं तो अंडाणु के बाहर की तरफ कोरोना रेडिएटा, अंदर जोना पेल्यूसिडा, अंडाणु के ऊपर लेयर्स होती है और उस लेयर्स को उस अंडाणु की भित्तियों को कैटेलाइज करने के लिए उनको नष्ट करने के लिए शुक्राणु का ये एक्रोसोम यहाँ से कुछ केमिकल छोड़ता है और उस केमिकल को कहते हैं स्पर्म लाइसेन। और ये स्पर्म लाइसेन अंडाणु की भित्तियों को गलाकर निषेचन की प्रक्रिया को सरल बनाता है तो वो एक्रोसोम है। अच्छा, इस एक्रोसोम का निर्माण जिस कोशिका के अंग से होता है उसका नाम है गोल्जी का। गोल्जी बॉडी से एक्रोसोम का निर्माण किया जाता है और फर्स्ट में शुक्र जनन प्रोसेस दे रखा है या इसको अपन स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पे राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गर्भ निरोधक के बारे में। ध्यान रखना, कभी भी बड़े क्वेश्चन दे करके मैदान छोड़ करके मां भाग के मत जाना। कहते हैं ना कि जब तक न हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम और संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है इसकी लैंग्वेज देखो। गर्भ निरोधक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही प्रश्न का है ना, प्रश्न का सही जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कीजिए। फर्स्ट दे रखा है कि प्रथम तीन महीनों में चिकित्सकीय गर्भ समापन या इसको कहते हैं मेडिसिनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये बिल्कुल खतरे से बाहर होता है। तो तीन माह के बाद में जो एमटीपी करवाते हैं सही है, ये खतरे से बाहर होता है। जब तक माँ अपने शिशु को दो वर्ष तक स्तनपान करवाती है तब तक गर्भाधान की कोई संभावना नहीं रहती है, ये गलत हो जाएगा। दो साल तक अगर स्तनपान करवा रही है तो हो सकता है शुरू के डिलीवरी के बाद में 5 से 6 महीने तक मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं हो लेकिन उसके बाद तो गर्भधारण हो ही जाता है, तो ये ऑप्शन सेकेंड गलत हो जाएगा। थर्ड है कॉपर टी जैसी अंतर गर्भाशय युक्तियां यानी कि इंटरनल यूटेरस डिवाइस यूआईडी, ये गर्भ निरोधक में कारगर होती है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फोर्थ दे रखा है कि संभोग के बाद गर्भ निरोधक गोलियों का 1 साल तक सेवन करने पर गर्भाधान रुक जाता है, तो ये ऑप्शन भी इतना कोई कारगर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर सी यानी कि थर्ड, ये दोनों इसमें सही हो जाएंगे। तो कौन सा होगा? यस, ऑप्शन नंबर थर्ड के अंदर दे रखा है और ऑप्शन थर्ड के अंदर ए और सी दोनों को यहाँ पे राइट कर सकता है, राइट कर रखा है। तो फर्स्ट और थर्ड दोनों सही हो जाएंगे। ओके, बाकी मेरा फोटो उसके पीछे आ रहा है, लग रहा है सर दिखाई कम दे रहा है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शुष्क पदार्थ है ना, कोई भी शुष्क पदार्थ है जिसको पादप जल अवशोषित करके
फूल जाते हैं। तो कोई भी ड्राई मटेरियल है, आप देखना यहाँ पे, ये जैसे लकड़ी का टुकड़ा है या फिर कोई शुष्क पादप है, लकड़ी का टुकड़ा शुष्क पादप है, और बरसात की ऋतु में देखना नमी होती है, और उस नमी को ये लकड़ी के टुकड़े खींच लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, और अवशोषित करने के बाद में लकड़ी के टुकड़े थोड़े सी फूल जाते हैं, और इस प्रकार फूलने की जो प्रक्रिया है इसको नाम दिया जाता है इम्बिबिशन। इस प्रोसेस को इम्बिबिशन कहते हैं, या इस प्रक्रिया को कहा जाता है अंतर शोषण। तो ये ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। बिंदु स्राव आपने देखा होगा अच्छे से, बरसात की ऋतु छोटे जो क्लाइंबर्स होते हैं, बेले होती है, उनके अंदर ये प्रोसेस अपने को देखने को मिलता है। उनका देखना पौधे की पत्तियों के ऊपर निष्क्रिय रूप से जल आकर के जमा हो जाता है, और निष्क्रिय रूप से जब जल जमा हो जाता है तो जल आकर के इन पौधों की पत्तियों के ऊपर बूंदों के रूप में एकत्रित हो जाता है, और इस प्रकार से जल कलेक्ट की प्रोसेस को बिंदु स्राव कहते हैं, या इसको गटेशन कहते हैं। तो ये गटेशन का प्रोसेस होता है। सेकंड दे रखा है पराशरण, यानी कि ऑस्मोसिस, और इस ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के अंदर जल के अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर के जब गति करते हैं तो इस प्रक्रिया को पराशरण कहते हैं। बीच में सेमी परमिएबल एक मेम्ब्रेन लगी हुई है, और इधर की तरफ वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है, इधर की तरफ वाटर मॉलिक्यूल कम है। तो वाटर मॉलिक्यूल अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि अर्ध पारगम्य झिल्ली से जब ये गमन करते हैं तो इस प्रक्रिया को पराशरण कहते हैं। और कमरे के अंदर भोजन बनाते हो तो कमरे में वो गंध चारों तरफ फैल जाती है, या फिर कमरे में कहीं अगरबत्ती जलाते हैं तो वो भी गंध हर जगह फैल जाती है। यानी कि गंध जब फैलती है, सुगंध जब फैलती है, तो उस फैलने की प्रक्रिया को विसरण कहते हैं, जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है, जिसमें कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी नहीं होती है। तो ये ऑप्शन नंबर फोर्थ सही होगा, जिसमें बरसात के अंदर नमी को अवशोषित करके पादप फूल जाते हैं। ओके, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विसरण के द्वारा श्वसन क्रिया किसमें होती है। एक तो ध्यान रखना, सबसे ज्यादा पूछा जाता है ऑर्थ्रोपोडा में, ऑर्थ्रोपोडा, इस ऑर्थ्रोपोडा किंगडम के अंदर, इस ऑर्थ्रोपोडा संघ के अंदर सबसे ज्यादा बिच्छू के बारे में भी पूछते हैं, और इस ऑर्थ्रोपोडा संघ के अंदर पूछा जाता है कि श्वसन अंग कौन से पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, ऑर्थ्रोपोडा में ज्यादातर इसमें स्कॉर्पियन को अपन इंक्लूड करते हैं, और इस स्कॉर्पियन के अंदर श्वसन अंग का नाम बुक्स लंग्स होते हैं, बुक्स लंग्स, जिनको कहते हैं पुस्तक फुफ्फुस। यहां तक वीडियो अगर आपने देखा है तो मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। कॉकरोच में है ना, कॉकरोच में उत्सर्जी अंग कौन से होते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर करना, है ना। मैं चार ऑप्शन दे रहा हूँ, रेनेट कोशिका, फ्लेम सेल, मेलपिंग की नलिका, या फिर क्यूटिकल। ऑप्शन आपने सुन लिए होंगे, आंसर करना। इसमें नहीं सुना तो वीडियो को वापस करके देख सकते हो। विसरण के द्वारा श्वसन क्रिया होती है। मछलियों के अंदर श्वसन प्रक्रिया हमेशा गिल्स के माध्यम से होती है, गल्फड़ों के माध्यम से होती है, और मछलियां हमेशा पानी के विपरीत दिशा में चलती है, इसलिए इस प्रक्रिया को प्रतिधारा गमन प्रक्रिया भी कहा जाता है, प्रतिधारा गमन प्रोसेस इसको कहते हैं। सेकंड दे रखा हाइड्रा, बहुत अच्छी बात है, और हाइड्रा भाई साहब छोटे जलीय जीव है, और इनके अंदर जल के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन विसरण के माध्यम से, डिफ्यूजन के माध्यम से ग्रहण की जाती है। मनुष्य के अंदर श्वसन की प्रक्रिया नॉर्मल लंग्स के माध्यम से होती है, और आपको मैंने थर्ड नंबर दे रखा है कॉकरोच के अंदर श्वसन प्रक्रिया कहां से होती है, और ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि कॉर्पोरा क्वाट्री जमीना मस्तिष्क के किस भाग में पाया जाता है। यस, मस्तिष्क की संरचना, और इस मस्तिष्क की संरचना में देखोगे तो इस मस्तिष्क की संरचना के अंदर जो पीछे का भाग है, इस पीछे के भाग को तो कहते हैं पॉन्स, और इस पॉन्स के बाद में ये जो अभी मैं बना रहा हूं दैट इज हाइपोथैलेमस, और अंदर की तरफ इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। लेकिन बीच के मस्तिष्क को अपन देखें तो इस बीच के मस्तिष्क को कहते हैं मध्य मस्तिष्क, और इसी में पाया जाता है कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना, इस संरचना को कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना, और ये मध्य मस्तिष्क में पाए जाते हैं। इस मध्य मस्तिष्क में टोटल बच्चों चार पिंड पाए जाते हैं, चार इसमें खंड पाए जाते हैं, और इन चार खंडों में ऊपर के दो खंड सिंपल देखने का काम करते हैं,
और इसमें नीचे के दो खंड सुनने का काम करते हैं। तो ऊपर के दो खंड देखने से संबंधित, नीचे के दो खंड सुनने से संबंधित, ऊपर के देखने नीचे के सुनने से संबंधित काम करते हैं। तो कॉर्पोरा क्वाटरी जमीना मीसा मध्य मस्तिष्क से संबंधित, ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। मेडुला, ध्यान रखना शरीर के अंदर जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उन अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करता है। बाकी सेरिबेलम, सेरिब्रम ये सब मस्तिष्क के पोर्शन दे रखते हैं। अग्र मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क में भी देखना यदि व्यक्ति शराब पीता है C2H5OH का ज्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं तो मस्तिष्क उससे प्रभावित होना स्टार्ट हो जाता है। 2P एंड 3P ऑर्बिटल्स में मेन डिफरेंस किस चीज का होता है? ये दोनों ऑर्बिटल्स की बात हो रही है ना, दोनों के अंदर मेन किस चीज का अंतर होता है? फर्स्ट दे रखा है कि एल के मान का, एल या इसको अपन कहते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या, और द्विगंशी क्वांटम संख्या N-1 दी जाती है जिसमें S के लिए 0 होती है, L के लिए 1 होती है, और S फिर P आएगा, फिर D आएगा और लास्ट में F आएगा। तो यहाँ पर 2, इधर की तरफ 3, L की वैल्यू यहाँ पर हर एक के लिए, यानी कि L की वैल्यू जो है वो P के लिए हमेशा बंद रहने वाली है, तो L की वैल्यू हमेशा सिंपल रहेगी। M का मान देखोगे तो यानी कि P ऑर्बिटल्स है, तो इस P ऑर्बिटल्स के अंदर 3 है ना ऑर्बिटल्स पड़े P सबसेल के अंदर, तो M की वैल्यू यहाँ पे देखोगे तो 0 फिर -1 फिर +1, तो इस वैल्यू में भी कोई चेंज नहीं होने वाला, सेम रहेगा। आकृति देखोगे P की तो P की आकृति हमेशा डंबल शेप में होती है, तो ये पी वाई जैसे नाम दे दिया, इधर वाले को आपने पी जेड नाम दे दिया, पी एक्स नाम दे दिया, पी वाई नाम दे दिया, तो ये हो जाएगा जैसे पी एक्स और इसको नाम दे दिया पी जेड, तो ये आकृति में भी बिल्कुल समान होते हैं। एम की वैल्यू समान होती है, एल की वैल्यू समान होती है, लेकिन आकार अगर देखा जाएगा तो छोटे बड़े आकार के फॉर्म के अंदर तो 2p एंड 3p इन कक्षकों के अंदर आकार में डिफरेंस होगा, बाकी कोई यहाँ पे डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। लीजिए किसी कक्ष में कक्षक की संख्या क्या होगी? जैसे पहला कक्ष है तो पहले कक्ष में एक ही होता है, फिर 2 के अंदर देखोगे तो 2 के अंदर कक्ष की संख्या S और P मिला करके तो S में हो जाएगा 1 और P में हो जाएगा 3, यानी कि टोटल 4 हो जाएगा। थर्ड के अंदर देखोगे तो S P D तीनों हो गए, यानी कि 1 + 3 + 5 और ये टोटल हो जाएंगे 9, यानी कि 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। उसी टाइप में फोर्थ पे चलोगे तो S P D F, साइंस बैकग्राउंड से तो इसलिए मुझे बताने की जरूरत नहीं कि S P D F क्या है ना, अच्छे से जानते हो। और यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स तो यहाँ पे 1, 3, 5, 7, इन सभी को ऐड करोगे तो 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 1 16 और 4 का स्क्वायर भी 16 होता है, यानी कि इसकी वैल्यू डायरेक्ट n स्क्वायर रहने वाली है। जो नंबर ऑफ सेल है, नंबर ऑफ सेल यानी कि कोश, और उस कोश की संख्या का स्क्वायर कर दो तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। 2n स्क्वायर आपको ध्यान होगा, किसी भी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन अपन कितने फिल कर सकते हैं, मैक्सिमम फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम आप फिल कर सकते हो वो है। और यहाँ पे उपकक्षक के बारे में और इलेक्ट्रॉनों के बारे में, नोड के बारे में, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। यस, नेक्स्ट है कार्बन की, कार्बन में दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन के अंदर, सही है। कार्बन को आप देखोगे तो कार्बन का 6 के अंदर 1s2, 2s2 और 2p2, ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और p के अंदर दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस टाइप्स में रहते हैं, और ये किसके अकॉर्डिंग होते हैं, तो ये होंड की अधिकतम बहुलकता के अनुसार होते हैं। इसको लिखा जाता है होंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल, होंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल के नाम से जानते हैं। तो ये होंड के नियम से होता है। पाउली का वर्जन नियम कहता है चारों क्वांटम संख्याएं सेम नहीं हो सकती, एन प्लस एल का नियम, हाइजेनबर्ग का अनसर्टिनिटी का नियम, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी राइट। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते जा रहे, लगते बहुत हार्ड है लेकिन जब यहाँ पे एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ तो आपको लगते होंगे सर कुछ नहीं है, संभाल लेंगे हम लोग। ओके, अधिकतम विद्युत ऋणात्मकता, सीधा पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर पी ब्लॉक का एक एलिमेंट जिसका नाम है फ्लोरीन, और इस फ्लोरीन को देखा जाए तो पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे मैक्सिमम इसकी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यस,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाईएस्ट होती है, सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की, तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। उसके बाद में क्लोरीन, फिर ऑक्सीजन और नियॉन की, तो वैसा विद्युत ऋणात्मकता जीरो कह सकते हो। होता क्या विद्युत ऋणात्मक ये भी जान लो, जैसे फ्लोरीन किसी से भी है ना, किसी से भी, जैसे हाइड्रोजन के साथ में इसने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके और एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, सहसंयोजक बंध है, लेकिन इसके अंदर जो शेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उन इलेक्ट्रॉनों को फ्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा और इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो टेंडेंसी होती है उस टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे मैक्सिमम ये टेंडेंसी फ्लोरीन के पास में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बोरॉन, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ऑक्सीजन की प्रथम आयोनाइजेशन पोटेंशियल का सीक्वेंस क्या होगा, इनका क्रम क्या होगा। पोटेंशियल का क्रम आपको पूछा गया है और वो भी आयोनाइजेशन पोटेंशियल यानी कि आयनन एंथैल्पी पूछी गई है। आयनन एंथैल्पी होती क्या है बता देता हूं। आयनन एंथैल्पी को अपन डिफाइन इस प्रकार से करते हैं कि परमाणु के अंदर की तरफ नाभिक, फिर ये पहला कोश, फिर दूसरा कोश, तीसरा कोश और ये चौथा कोश, किसी भी परमाणु के विलगित यानी कि आइसोलेट एटम के लास्ट सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको कहते हैं आयनन एंथैल्पी। और आयनन एंथैल्पी के अंदर एटम जितना छोटा होगा उसकी आयनन एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ लास्ट में दे रखा है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो नो डाउट नाइट्रोजन की आयनन एंथैल्पी ऑक्सीजन से हमेशा ज्यादा होती है, तो ऑक्सीजन दोनों खत्म हो जाएंगे। ऑक्सीजन के बाद में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, दोनों में सेम आ रहा, फिर कार्बन दोनों के अंदर सेम आ रहा, फिर उसके बाद में आ जाती बोरॉन, बोरॉन के बाद में बेरिलियम आएगा, तो यहाँ पे बोरॉन, बोरॉन के बाद में बेरिलियम, तो यहाँ पे ऑप्शन के अंदर देखोगे तो बोरॉन और बेरिलियम के अंदर, तो बोरॉन और बेरिलियम में बेरिलियम छोटा, आयनन एंथैल्पी ज्यादा होगी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। मैं फोर्थ पे ले जा रहा था लेकिन अच्छे से समझ गए ना, तो बोरॉन और बेरिलियम दोनों को आप कंसीडर कर पा रहे हो, तो बेरिलियम और बोरॉन के अंदर बेरिलियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा, बोरॉन थोड़ा बड़ा है तो कुछ कम, और यहाँ पे देखोगे तो ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी का सिक्वेंस और क्रम हो जाएगा जो दे रखा है इसमें। क्षारीय धातु अत्यधिक क्रियाशील होती है, क्षारीय धातु में देखा जाए तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम है ना, यहाँ तक है, फिर फ्रेंशियम में नहीं जाएंगे, सीजियम को भी इंक्लूड नहीं कर पाते अपन क्योंकि टेंडेंसी है, वैसे मेटल तो होता ही है लेकिन एल्केलाइन नेचर का भी होता है। उसके साथ में आप देखोगे तो बेटा मांगे यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम, तो ये सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट है और ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है, लेकिन ये सारे के सारे एल्केलाइन नेचर के अंदर होते हैं। क्षारीय धातु अत्यधिक क्रियाशीलता होती है और अत्यधिक क्रियाशीलता होने का कारण इसकी आयनन एंथैल्पी होगी या अर्ध भरे हुए एस कक्षक होते हैं या विद्युत ऋणात्मकता कम होती है या आयनन का आयनन विभव उच्च होता है, तो आयनन विभव हमेशा कम होता है क्योंकि इसके आयतन, आयतन कोश के जो इलेक्ट्रॉन है बहुत अच्छे से छोड़ देते हैं, इसलिए तो उनका नेचर मेटलिक है, इसलिए तो इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की नेचर रखते हैं, टेंडेंसी रखते हैं, है ना। क्वेश्चन दे रखा है न्यूनतम घनत्व वाली धातु कौन सी होगी, न्यूनतम घनत्व वाली धातु यहाँ पे पूछा है, लोवेस्ट डेंसिटी पूछी है, सबसे कम घनत्व वाली धातु कौन सी होगी, और कम घनत्व पूछा जाए और यहाँ पे देखो कौन से ग्रुप से रिलेटेड एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो ये फर्स्ट ग्रुप के अंदर है जिसमें हाइड्रोजन को अपन इंक्लूड नहीं करते, उसके बाद में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, लेकिन दे रखा यहाँ पे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो इन दोनों के अंदर आप लोग जैसे जैसे टॉप टू डाउन जाते हो तो ऊपर की तरफ साइज होती है छोटी और जैसे जैसे नीचे जाते हो तो साइज होती जाती है बड़ी, तो अब आपको लगता होगा कि पोटेशियम हमारा बड़ा होगा, सोडियम हमारा छोटा होगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना जैसे जैसे अपन टॉप टू डाउन जाते हैं तो यहाँ पर पोटेशियम की डेंसिटी एक एक्सेप्शनल केस है जहां पर ऑलरेडी कम हो जाती है, जहां पर डेंसिटी कम होगी वहां पे वॉल्यूम ज्यादा होगा, तो इसकी डेंसिटी होती है कम और इसका वॉल्यूम होता है ज्यादा, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, एक्सेप्शनल केस है। आप एस ब्लॉक के एलिमेंट्स में पढ़ते हो तो वहां पे ये दे रखा है,
ना, सिलेबस आपको पता होगा अच्छे से, तो वहां पे क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी ब्लॉक तत्वों के अंदर, पी ब्लॉक के अंदर कुल तत्वों की संख्या कितनी होगी, पी ब्लॉक के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। तो पी ब्लॉक के अंदर देखोगे तो 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप और लास्ट में 18 ग्रुप। 18 ग्रुप में ऊपर की तरफ आपको हीलियम भी देखने को मिलेगा, 17 में कहीं कहीं आपको हाइड्रोजन भी देखने को मिलेगा, लेकिन अपन शुद्ध रूप से देखें तो यहाँ पे टोटल दे रखे हैं 6 ग्रुप, है ना, 6 ग्रुप दे रखे, और 6 ग्रुप में एक एक में अपन पांच पांच माने, तो 6 का 5 से गुणा करोगे तो कितने 30, 30 एलिमेंट्स हो जाते हैं। यस, ये 30 एलिमेंट्स हो जाते हैं, और उसमें भी ग्रुप नंबर 13 के जो एलिमेंट्स है उनको अपन बोरॉन फैमिली कहते हैं, फिर कार्बन फैमिली होती है, फिर निक्टोजन्स फैमिली होती है, फिर उसके बाद में कैल्कोजन्स फैमिली होती है जिसमें ऑक्सीजन शामिल करते हैं, फिर उसके बाद हैलोजन फैमिली होती है जिसमें फिर कल, बाहर, आई, कौन, आंटी, नो नो आंटी में क्या खाओगे, आरती, फिर कल बाहर आई आरती, इस प्रकार से आप 17 ग्रुप रख सकते हो। 18 ग्रुप के अंदर हीना, नेहा और करीना का एक्सरे रंगीन, है ना, स्कूटियां चला रही थी, गिरी नीचे, एक्शन निकला रंगीन, तो हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, तो ये कुछ एलिमेंट्स हो जाते हैं, और इनकी टोटल नंबरिंग देखो तो ये टोटल 13 रहते हैं, 30 रहते हैं, 13 है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर वर्ग के एलिमेंट्स को किस नाम से जानते हो। तो 13 के अंदर बोरॉन फैमिली होती है, और बोरॉन में बैंगन, आलू, गाजर, इन, थेला। सर क्या अपने हिसाब से आप लोगों ने ट्रिक क्या बढ़ा रखी है, ये तो यही तो ट्रिक है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, यस, ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी राइट। और देखना यहाँ पे क है, शिव, जी, ये जी ये गलत हो जाएगा, क है, शिव, ए है, टिन, ये भी गलत हो जाएगा। तो ये ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स है, और जिसमें सबसे पहले बोरॉन फैमिली आती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के साम्यावस्था में आने का अर्थ क्या होगा, कोई भी रिएक्शन जो कि बिल्कुल इक्विलिब्रियम के अंदर आ चुकी है, और इक्विलिब्रियम आ रही है तो उसका मीन क्या होगा इक्विलिब्रियम आने का। अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता समान हो जाती है, अग्र अभिक्रिया की गति शून्य हो जाती है, अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलनी बंद हो जाती है, या अग्र एवं प्रतिप अभिक्रिया की गति समान हो जाती है। यस, ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। जब भी कोई रिएक्टेंट व्हेन चेंज इनटू प्रोडक्ट एंड इन साइमल्टेनियसली इन सेम कंडीशन व्हेन प्रोडक्ट कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट देन द रिएक्शन इज आल्सो रिमेन इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। इन दिस कंडीशन द वेलोसिटी ऑफ कंफर्मेशन, वेलोसिटी ऑफ ट्रांजिशन, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू कैटलिस्ट, प्रोडक्ट इनटू रिएक्टेंट एंड रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, द रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज रिमेन बी इक्वल, ना, तो ये रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि N2+3H2 इन रिवर्सिबल रिएक्शन, नॉट टू इनरिवर्सिबल, रिवर्सिबल रिएक्शन दैट विल फॉर्म 2NH3, साम्य अभिक्रिया के साम्यावस्था में आने का अर्थ है। तो अर्थ क्या होगा, ये रिएक्शन दाईं ओर विस्थापित होगी, दाईं मतलब इधर की तरफ वापस, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बाईं ओर विस्थापित होगी, अपरिवर्तित रहेगी या कुछ भी कहा नहीं जा सकता, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। जब साम्यावस्था में होगी, आप जैसे जैसे इसके अंदर से प्रोडक्ट को हटाते जाओगे तो रिएक्शन अपने आप बाईं तरफ शिफ्ट होती जाएगी। ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्शन करके अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं, और अमोनिया के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है दैट इज ऑल्सो नोन एज एबर प्रोसेस। साइंटिस्ट एबर ने इसको दिया था, और एबर प्रोसेस, इसके अंदर आयरन एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं, कैट कैट बिल्ली, बिल्ली क्या डालते हैं उसमें आयरन, और इसके अंदर मोलिब्डेनम एज ए कैटलिस्ट प्रमोटर यूज करते हैं, कैटलिस्ट प्रमोटर के अंदर मोलिब्डेनम यूज करते हैं, कैटलिस्ट के अंदर आयरन का यूज करते हैं। बहुत शानदार क्लासेस चल रही है, और अगेन रिक्वेस्ट है कि क्लासों को लाइक करो थोड़ा सा, और उसके साथ साथ में चैनल पे फर्स्ट बार हो तो, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ एनालिसिस के अंदर लगभग 80% न्यू सब्सक्राइबर, 80% नॉन सब्सक्राइब्ड भी इस वीडियो पे आकर के क्या कहते हैं विजिट करते हैं। तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा आप सोशल मीडिया का यूज करते हो तो इसको अपने चैनल के ऊपर भी डालें थोड़ा सा, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा, और जहां तक पहुंचेगा तो नो डाउट सभी की हेल्प ही होने वाली है।
ओके, बाकी आप साइंस बैकग्राउंड से हो, 11th 12th आपने बायो के अंदर कर रखी है, चाहे आपने मैथ्स के अंदर कर रखी है, ये आपके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि लगातार मैं लगभग केमिस्ट्री के क्वेश्चन ज्यादा दे पा रहा हूँ। उसके साथ आप लोग अगर बीएससी कर रहे हो तो हेल्पफुल है, लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अभी बहुत अच्छे से, बाकी आप साइंस से रिलेटेड सेकेंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड तक की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये आपको हेल्प देने वाली। बाकी थर्ड ग्रेड के अंदर ये इतना मटेरियल नहीं पूछा जाता, ना कोई स्पेशल साइंस है, थर्ड ग्रेड के अंदर बहुत गरीब गरीब टॉपिक उसमें अंदर दे रखे, तो क्लासों के अंदर शुरू से अंत तक जुड़े रहना और थोड़ी सी हेल्प करना वीडियो को शेयर करने के अंदर। ओके लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शन दे रखी है, रिएक्शन के अंदर देखिए PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, और जब ये डिसोसिएट होता है तो PCl3 और Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है। साम्य के लिए जो इसमें साम्य स्थिरांक लिखा जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा जाता है, उसमें Kp और Kc को किस रेशियो से नोट किया जाता है, तो मैं लास्ट रेशियो यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो इसको नोट करते हैं लोग Kp अपॉन Kc, है ना, Kp अपॉन Kc, और इसको नोट करते हैं अपन लॉग base 10 RT = 0। तो ये इसमें डायरेक्ट रिलेशन दिया जाता है, जो आप देखते हो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर, तो उसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर फोर्थ इसमें सही हो जाएगा। आयोनिक कांस्टेंट जो चैप्टर है उसके अंदर विजिट करना, ये सारी चीजें उसमें अच्छे से दे रखी है। एक रासायनिक अभिक्रिया ए से बी साम्य में कब कहलाएगी, जब ए कंप्लीट बी में कन्वर्ट हो जाए, या ए ठीक 3-10% परिवर्तित हो जाए, या ए बी के अंदर 50% चेंज हो जाए, या ए बी में परिवर्तित होने की दर और बी से ए में परिवर्तित होने की दर बिल्कुल बराबर हो जाए, तो इसमें ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर बी टू ए एंड ए टू बी ये बिल्कुल इक्वल कंडीशन के अंदर रहेंगे। ओके लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत अपघटन की जलीय विलयन में धारा के प्रवाह से क्या होता है, जब भी आप धारा प्रवाह करते हो तो इलेक्ट्रॉन हमेशा गति करते हैं, और गति के अंदर जब भी देखो जैसे ये विलयन है अंदर, और आपने एक तरफ एनोड डाल रखा है, दूसरी तरफ आपने कैथोड डाल रखा है, तो इलेक्ट्रॉन जो भी होते हैं इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन हमेशा एनोड की तरफ गति करते हैं, तो ऋणायन पोर्शन जितना भी होता है वो पॉजिटिव की तरफ, और पॉजिटिव पोर्शन जितना भी होता है वो ऋणायन की तरफ गति करता है, मतलब ऋणायन एनोड की तरफ और धनायन कैथोड की तरफ गति करते हैं, तो ऋणायन कैथोड की तरफ गलत हो जाएगा, दोनों ऋणायन एनायन धनायन एनोड की तरफ थोड़ी ना होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एनोड की तरफ भागेंगे, गलत हो जाएगा, फर्स्ट भी गलत हो जाएगा, ऋणायन धनायन दोनों कैथोड की तरफ गलत हो जाएगा, चौथा ऑप्शन पढ़ो ही मत सही हो जाएगा, पढ़ तो लो थोड़ा सा, ये कह रहा है कि ऋणायन एनोड की तरफ सही बात है और धनायन कैथोड की तरफ गमन करते हैं, यस ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्र M2Y वाले एक अल्प विलय लवण की विलयता क्या होगी, जिसमें Ksp यानी कि विलयता गुणनफल नियतांक है, और इसको याद रखना जब भी इसको फॉर्मूले डालते हो तो इसको लिखा जाता है Ksp/2, ये डायरेक्ट फॉर्मूला रहता है। अब देख लो यहाँ पे कौन सा है, Ksp/2 तो नहीं किया तो ये गलत हो जाएगा, Ksp/4 कर दिया, Ksp को √3 में डाल दिया, ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट हो जाएगा। ओके लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल मीन CH3COOH प्लस सोडियम एसिटेट CH3COONA के विलयन को एक दूसरे के साथ मिलाने पर एसिटिक अम्ल के वियोजन की मात्रा कम हो जाती है, उसका कारण क्या होता है, ये दोनों बिल्कुल एकदम एडजस्ट और एग्जैक्टली इक्वल टाइप के हैं, और इक्वल टाइप के जब भी होते हैं तो उसको कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट, और कॉमन आयन इफेक्ट के कारण, और कॉमन आयन इफेक्ट के कारण इसका जो रिजोल्यूशन पावर है, जो विलयता गुणनफल है, वो हमेशा कम होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसका कारण होता है सम आयन प्रभाव, ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी राइट। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम फेरोसाइनाइड को लिखोगे आप K4FeCN6, ऊपर को चार्ज लगाओ, चार्ज लगाने की जरूरत नहीं, अच्छा बताओ इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी इस आयरन की, तो लिखोगे सर प्लस का 1 × 4, तो इसको 4 × लिखोगे x × क्यों लिखोगे, प्लस करोगे प्लस x, फिर लिखोगे Cn के ऊपर -1 होता, -1 का 6 टाइम हो जाएगा तो ये -6 हो जाएगा = 0, तो आप लिखोगे यहाँ पे +4 - 6 = 0, आप लिखोगे x = +2,
इस प्रकार से आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी कैलकुलेट कर सकते हो। और जब इस किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो ये काउंटर आयन और कोऑर्डिनेशन एंटिटी ये दोनों सेपरेट हो जाती है, लेकिन दोनों सेपरेट होने के बाद में ये कभी भी वाटर के अंदर क्या कहते हैं एक पर्टिकुलर अपना आइडेंटिफिकेशन शो नहीं करते। तो जब आप वाटर के अंदर सॉल्यूबल करोगे तो के प्लस ये अपना आइडेंटिफिकेशन देगा और उसके बाद में एफ ई सी एन सिक्स फोर माइनस ये अपना आइडेंटिफिकेशन देगा। लेकिन इसको आप अलग नहीं कर सकते कि आयरन यहाँ से टू प्लस के अंदर अलग हो जाएगा, सी एन माइनस अलग हो जाएगा, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। तो ये कह रहा है के प्लस एफ ई टू प्लस ऐसा नहीं हो सकता, सी एन माइनस सेपरेट नहीं हो सकता, सी एन माइनस सेपरेट नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट हो जाएगा और ऑप्शन नंबर फोर्थ। एक चीज मैं यहाँ पे और दिखाना चाहूंगा, दो प्रकार के सॉल्ट होते हैं, एक होता है कॉमन सॉल्ट या जिसको अपन NaCl यूज लेते हैं, NaCl के साथ में KCl यूज लेते हो। तो NaCl KCl इसके अंदर कोई भी एक सिंपल एलिमेंट है, अवयव है, एंटिटी है तो वो अपना आइडेंटिफिकेशन शो करते हैं। मोहर सॉल्ट ले लो, मोहर सॉल्ट जिसको आप फेरस अमोनियम सल्फेट कहते हो, तो फेरस अमोनियम सल्फेट या इसको अपन मोहर सॉल्ट कहते हैं। तो इसमें फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट यानी कि FeSO4, ये फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला हो जाएगा NH4 ओल्ड ट्वाइस SO4 और डॉट में करोगे 6H2, तो ये मोहर सॉल्ट है। और इस मोहर सॉल्ट को वाटर में डालोगे तो ये आयरन सल्फेट अमोनियम सब आइडेंटिफिकेशन शो करते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जितने भी होते हैं वो वाटर के अंदर इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन शो नहीं करते। कुछ ज्यादा ही हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगले क्वेश्चन की लैंग्वेज कह रही है घनीय निकाय का एग्जांपल कौन सा होगा, घनीय बिल्कुल एकदम क्यूबॉइडल शेप के अंदर कौन सा होगा। तो क्यूबॉइडल शेप के अंदर पाया जाता है CuSO4.5H2O, याद रखना फर्स्ट चैप्टर दे रखा ना 12th के अंदर, फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट। उस सॉलिड स्टेट के अंदर एक साइंटिस्ट जिसका नाम है ब्रेवे, और इस ब्रेवे ने स्ट्रक्चर होगी उससे पहले कुछ इनकी स्ट्रक्चर की स्टाइल दिल रखी, और उसके अंदर कॉपर ये हमेशा घनीय संरचना में होता है, स्वेटीन ग्रेफाइट कैल्साइट ये सब फॉर्मूले दे रखे। तो ये घनीय निकाय पूछा है, फिर पूछा है कि फलक केंद्रित घनीय कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। फलक केंद्रित का मतलब ये बात हो रही है FCC के बारे में, और FCC को जब अपन ड्रॉ करते हैं तो इस FCC को ड्रॉ करने के बाद देखना यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने बनते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स हर फेस पे होगा, दो नंबर, तीन नंबर, ये चार नंबर, ये पीछे वाले और ये आगे वाले पे, और कितने हो गए 6, और हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 2/1/2, तो ये कितना हो जाएगा हाफ। अच्छा ये भी जानते हो कि एट कॉर्नर जो लोकेशन होती है, एट कॉर्नर के ऊपर टोटल आ जाएंगे यहाँ पर 6, और 6 के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 1/8, इंटू करोगे 8 तो ये हो जाएगा 1। तो टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स जेड ये ना टोटल यहाँ पे 4 रहने वाले, किसमें आ रहा है 4, ऑप्शन नंबर 3 के अंदर आ रहा है। और ये FCC स्ट्रक्चर है ना जिसको अपन कहते हैं फेस सेंटर्ड नहीं होगा भाई साहब, ये फलक फेस सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड है, बॉडी सेंटर्ड नहीं है। ताप तथा विद्युत के कुचालक या सुचालक, तो सुचालक पूछा कंडक्टर क्रिस्टल कौन से होते हैं। तो जितने भी आयनिक क्रिस्टल होते हैं, आयनिक क्रिस्टल मीन NaCl के क्रिस्टल है, KCl के क्रिस्टल है, ये सारे के सारे आयनिक क्रिस्टल होते हैं, और ये विद्युत के ताप के हमेशा सुचालक क्रिस्टल के रूप में काम करते हैं। निम्न में से द्रव का कौन सा गुण ताप बढ़ने पर बढ़ता है, द्रव का कौन सा गुण है, ताप बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, वाष्प दाब बिल्कुल बढ़ेगा, वाष्प दाब या इसको अपन वेपर प्रेशर कहते हैं। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। श्यानता विस्कोसिटी, और विस्कोसिटी को अपन देखें तो ये विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो विस्कोसिटी घटनी स्टार्ट होती है, पृष्ठतनाव घटना स्टार्ट होता है, ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट। ओके नेक्स्ट है, किसी ताप पर एक गैस का एक वायुमंडलीय दाब पर आयतन 200 ml है, कोई भी एक गैस है और 1 atmosphere प्रेशर के ऊपर इसका वॉल्यूम 200 ml है। ओके फिर ये कह रहा है कि दाब को बढ़ा करके ना, वायुमंडलीय दाब की बात हो रही थी, 1 atmosphere प्रेशर पे हो रहा था कोई भी गैस थी, तो इसका प्रेशर 1 की जगह बढ़ा करके 5 atmosphere प्रेशर कर दिया जाए, और ये प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम नो डाउट डिक्रीज होगा। तो देख लो 1000 ml पॉसिबल ही नहीं है, 40 ml पॉसिबल है, 200 ml पॉसिबल नहीं है, 205
पॉसिबल नहीं है। तो देख लो यहाँ पे भाई वॉल्यूम डिक्रीज होगा, बाकी कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा ना, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा अपने आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदर्श गैस समीकरण में जो आर होता है, इस आर के लिए एसआई और सही मात्रक कौन सा होगा? तो इसको अपन लिख सकते हैं जूल पर केल्विन पर मोल, इस रूप में भी लिख सकते हैं। जूल नहीं लिखो तो इसको लिख सकते हो आप न्यूटन इंटू मीटर, अपॉन में लिख सकते हो केल्विन और लिख सकते हो पर मोल, है ना। तो इसको आप न्यूटन इंटू मीटर प्रति केल्विन प्रति मोल सही ऑप्शन हो जाएगा। जूल प्रति केल्विन प्रति मील, हाँ मील वील गलत हो जाएगा। डाइन प्रति डिग्री सेंटीग्रेड मोल लीटर प्रति मोल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, इसको कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर ये क्वेश्चन दे रखा है, ओके, अदर गैस समीकरण से रिलेटेड। एक लीटर विलयन में घोले गए पदार्थ के मोलों की संख्या कितनी होती है? एक लीटर विलयन की बात हो रही है भाई साहब, एक लीटर के अंदर घोले गए पदार्थ के मोलों की संख्या, मोल किसके वो भी पूछा जा रहा है, सॉल्यूट के मोल, तो सॉल्यूट के मोल की मात्रा पूछी जा रही है। और सॉल्यूट के मोल की मात्रा जब पूछते हैं तो उसको अपन कहते हैं मोललता या मोलरता, तो इसको मोलरता कहते हैं, मोलरिटी कहते हैं, मोलरिटी, तो इसको मोलरिटी कहते हैं या इसको मोलरता कहते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। और एक लीटर की जगह अगर एक किलोग्राम पूछा जाता तो उसको अपन मोलरिटी कहते हैं, मोललता कहते हैं, ओके। तो लता को है ना, लता 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 का आप भार मापते हो, लेकिन मोलरता को आप लीटर में कैलकुलेट करते हो, सही है। पराशरण ऑस्मोसिस के कारण उत्पन्न जो द्रव स्थैतिक दाब होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, उसको अपन पराशरण दाब कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर के नाम से कहते हैं। वायुमंडलीय दाब, पराशरण दाब, वाष्प दाब, इनमें से कोई नहीं, तो ये पराशरण दाब। ये क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर से मिलेंगे, सॉल्यूशन 12th में दे रखा है सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर दे रखी एक चैप्टर के अंदर पॉइंट दे रखा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, है ना। सॉल्यूशन चैप्टर सॉल्यूशन के अंदर अणु संख्या गुण दे रखे हैं, या उसको कहते हैं अपन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज परासरण दाब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में इंक्लूड होता है, और वहीं से ये क्वेश्चन पूछा गया, ओके। तो आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं, बहुत अच्छे से आपने क्लास को यहां तक देखा, और नेक्स्ट मैं आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूँ, और क्वेश्चन को आप सॉल्व करके भेजना मेरे को। क्वेश्चन में दे रहा हूँ कि 4 ग्राम NaOH, और इस 4 ग्राम NaOH को आपने 1 लीटर सॉल्यूशन में नहीं डाल करके 250 ml वॉल्यूम के अंदर डाल दिया है ना, तो विलयन की मोलरिटी क्या होगी, या मोलरिटी क्या होगी? तो मैं मोलरिटी पे जा रहा हूँ कि लिटी पे जा रहा हूँ, तो आपको मोलरता ज्ञात करनी है ना, मोलेलिटी ज्ञात करनी है कि मोलेलिटी ज्ञात करनी है, तो मैं सिंपल आपको मोलरता कैलकुलेट करने के लिए दे रहा हूँ। और क्लास को आपने बहुत अच्छे से देखा होगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने साथियों के साथ में, व्हाट्सएप या फिर आप जो सोशल मीडिया यूज करते हो उसके ऊपर भी जरूर इसको लगा। सो थैंक यू, विश यू ऑल दी बेस्ट, और जस्ट कंटिन्यू, डिस्क्रिप्शन के अंदर पार्ट 1, 2, 3, 4 का मैंने लिंक दे रखा है, वहां जाकर के आप क्लासों को एंजॉय करना। बाकी प्लेलिस्ट के ऊपर लैब असिस्टेंट प्लेलिस्ट में हर प्रकार की क्लास है, आपको लैब असिस्टेंट रिलेटेड मिलेगी। थैंक यू, विश यू ऑल दी बेस्ट।